बिजनौर में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को लेकर आया बड़ा बदलाव। बिजनौर में सपा के प्रत्याशी सपा और राष्ट्रीय लोकदल अलग अलग होने पर राष्ट्रीय लोकदल में पहुंचे। चांदपुर में सपा की टिकट लाने पर प्रत्याशी लोकदल में पहुंचे। नगर पंचायत चांदपुर से मोहम्मद अरशद ने किया राष्ट्रीय लोकदल से नॉमिनेशन। चांदपुर नगर पालिका के उम्मीदवार सपा से थे मोहम्मद अरशद। चांदपुर नगर पालिका के मोहम्मद अरशद बनाए गए राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी। कस्बा व थाना चांदपुर नगर पालिका का है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? और आज आप मोहम्मद अरशद अधिकारी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चांदपुर नगर पालिका परिषद से। अलहमदुल्ला नामांकन हो चुका है और पिछले 5 साल भी माता जी चेयरमैन थी। चांदपुर के विकास में अलहमदुल्ला चार चांद लगाए थे और इस बार उससे दुगने चांद लगाना है और भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की और विकास की राजनीति हम करते हैं। पिछले 5 सालों में उसी का सबूत दिया है और आगे भी उसी को हम बढ़ावा देंगे, उसी को मजबूत करेंगे। पहले आप समाजवादी से चुनाव लड़े थे, अब राष्ट्रीय लोकदल से लड़े थे, इसका कितना मैंने किया? देखिए जैन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और जैन जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता है, बल्कि सबसे बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता जैन जी ही है। तो जैन जी ने टिकट दिया है, इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा और जो जितने भी चांदपुर में और क्षेत्र में जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं सब चुनाव लड़ाएंगे मजबूती के साथ। इंशाल्लाह ये चुनाव हम जीत गए हैं, पार्टी में आने के लिए हम ये चुनाव जीत गए हैं।